प्रयागराज में बाढ़ से कोहरा, जल प्रलय से सहमे लोग, जल दिखेगा कुदरत का कहर। वैसे तो जब बरसात का मौसम आता है तो लोगों के चेहरे पर एक अलग सी मुस्कान देखने को मिलती है। लोग जंगलों के इलाकों में जाकर नाचते हुए मोरों को निहारते हैं तो कुछ लोग घरों में ही बैठकर चाय और पकौड़ी का आनंद लेते हैं। लेकिन परिस्थितियां सबके लिए एक जैसी नहीं होती। जो किसी के लिए मजा, वो किसी के लिए सजा होती है। जी हाँ, कुछ ऐसे ही हालात इस वक्त संगम नगरी प्रयागराज के हैं, जहां गंगा और यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। पिछले 3 दिन में जहां गंगा रोज 10 सेंटीमीटर बढ़ रही है, तो वहीं यमुना भी 6 सेंटीमीटर की रफ्तार से बढ़ रही है। हालात ये हैं कि तटीय इलाकों समेत 3 दर्जन से अधिक क्षेत्र बाढ़ के पानी की चपेट में आ चुके हैं। पानी घरों में घुस रहा है, जिसके चलते कई लोग तो अपने घरों को छोड़कर कहीं और जाकर बस गए हैं। तो वहीं वो लोग जिनके पास दूसरा कोई ठिकाना नहीं है, वो या तो घरों की छतों पर आशियाना बनाकर बैठे हैं, या फिर बहुत से लोग राहत शिविरों का रुख कर रहे हैं। अधिकारियों के मुताबिक मानसून के दूसरे फेज में कई शहरों में भारी बारिश हुई, जिसके चलते लाखों क्यूसेक पानी गंगा यमुना में छोड़ दिया गया। इसी के चलते ये हालात पैदा हो गए। वहीं लोगों का यह भी कहना है कि अभी क्योंकि बरसात हो रही है, ऐसे में ये नहीं कहा जा सकता कि मुश्किलें जल्द हल हो सकती हैं। इसीलिए तटवर्ती इलाकों में रहने वालों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की राय दी जा रही है। साथ ही पुलिस व प्रशासन खुद भी लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम कर रहा है। जिले में जल पुलिस तो काम कर ही रही है, इसके अलावा NDRF और SDRF की टीमों को भी तैनात किया गया है। लोगों को एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में असुविधा ना हो, इसके लिए नावों का इंतजाम किया गया है। लोगों के खाने पीने का भी सरकारी अमला ध्यान रख रहा है। वैसे भले ही पुलिस प्रशासन अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हो, लेकिन समस्या बड़ी है, क्योंकि रिहायशी क्षेत्रों में पानी घुस जाने के चलते लोगों का कामकाज ठप हो गया है। उनके पास रखी खाद्य सामग्री या तो पानी में बह गई या फिर खराब हो गई है, जिसके चलते उन्हें खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा, ना ही पीने का साफ पानी मिल पा रहा है। ऐसे में लोगों के सामने हालात बेहद कठिन हैं और बहुत जल्दी राहत मिलने की कोई उम्मीद भी नजर नहीं आ रही। सैकड़ों की संख्या में जो लोग राहत शिविरों में हैं, उन्हें तो फिर भी जैसे तैसे खाना मिल जा रहा है, लेकिन जो लोग अभी अपने घरों में मौजूद हैं, उनके लिए समस्या बेहद बड़ी है। ऐसी और भी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।